जनता पूछ रही है, गांव में जब ये जा रहे हैं तो जनता पूछ रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए 51 हो जाता था तो तुम नंगे नाच करते थे, आज डीजल पेट्रोल पे क्यों नहीं बोल रहे हो? स्मृति रानी से लोग रोज ढूंढते हैं दिल्ली में, तो हाँ बाबा रामदेव को भाई उन्नत बता रहे, ट्वीट भी डिलीट कर दिया अपना, बाबा रामदेव को भी ढूंढते, तो ये सब चलते रहेंगे। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे विलुप्त हो गए देश से, उनका आता पता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभक्ति के नाम से लोगों को देश को लूटा था उन्होंने, आज देश भी उन्हें ढूंढ रहा है जिस हिसाब से उन लोगों ने देश के साथ भावनाओं से खेल के गद्दारी की। टिकैत साहब का 3 काले कानून लेने का पूरा वापस करने की तरफ इशारा है कि जब तक 3 काले कानून नहीं जाएंगे वापस तब तक ये आंदोलन नहीं हटेगा, ये आंदोलन शायद 24 के बाद भी चले, ऐसा टिकैत साहब का इशारा है। कह रहे हैं हमने खेत तैयार कर दिया जिसे फसल बोनी है बोलो, तो ये आंदोलन खेती है और क्या, ये आंदोलन में खेत है, देश देश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश का समर्थन मिल रहा है, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से और कहां कहां पूरे देश के लोग यहां आ रहे हैं, तो खेती तैयार है, जिसमें जो आहुति लगा देगा, जो इसमें भाग लेगा वही राष्ट्रभक्त कहलाया जाएगा, और ये कानून तो वापस होंगे आज नहीं कल। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कह रहा रास्ते चलने के लिए होते हैं, तो यहाँ जो ट्रैक्टर और पल्ली जो लगाए हुए थे वो सब हटा लिए, सरकार को रास्ते खोल देने चाहिए और जनता को चलने के लिए रास्ते दे देने चाहिए। जो मोदी सरकार ने देश के रास्ते बंद कर रखे हैं गाजीपुर बॉर्डर के और दूसरे बॉर्डरों के, इन्हें खोल देने चाहिए। किसान आंदोलन के लिए कोर्ट ने भी कह दिया कि किसानों को अधिकार है, आंदोलन होगा और वो सरकार समझे और इन पर फैसला ले, काले कानून वापस करेगी जब ये आंदोलन खत्म। अरे भैया लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीनें जो अडानी अम्बानी को दी है वो सही दी है, लाभ के लिए दी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए जब भी हम खरीदेंगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया वो अच्छा किया। तो लोगों की क्या है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी मत सुना करो, देश की भावनाएं सुनो। जो देश का एक एक व्यक्ति और जो ज्यादा संख्या के लोग हैं वो दुखी हैं, देश का पूरा किसान और मजदूर दुखी है, परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है। आज मंडियों में रेट नहीं मिल रहे, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है, 4-4 दिन हो गए किसान ने आत्महत्या कर ली, एक किसान लाइन में लग के मर गया। तो इन भावनाओं को समझो, लोग क्या कहते हैं लोगों की मत समझो। लोग में कहने वाले में आरएसएस के फैलाए हुए प्रोपगंडे हैं, उनकी उनके चक्कर में मत पड़ो आप लोग। वो किसान संयुक्त मोर्चा का और सभी किसानों को ऐसा गुस्सा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मारे गए, जो वो घटना में उनके घर नहीं जाना चाहिए था, वो शायद योगिंदर जी उनके घर चले गए, ये उनका निजी फैसला था, संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं था, इसलिए वो संयुक्त मोर्चा देखेगा क्या करना है, उसमें आगे का फैसला संयुक्त मोर्चा लेगा। वो तो कह रहा मैं किसी दुखी परिवार का दुख बांटने गया था जो पीड़ित परिवार, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत मामला था ना, लेकिन संयुक्त मोर्चा पूरे देश के किसानों की भावनाओं के हिसाब से चलेगा ना, देश में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसानों की भावनाओं के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे देश के ही, काफी दिन बाद याद आया ना संयुक्त मोर्चा को कि योगेंद्र यादव ने ऐसा काम कर दिया, तो वो एक प्रक्रिया होती है, जांच होती है, वो प्रक्रिया संयुक्त मोर्चा ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रोपगंडा खड़ा करने वाले लोग है, ये जाँच हुई, उसमें कमेटी हुई, कमेटी ने क्या फैसला लिया है उस हिसाब से काम हुआ है, और आगे जो होगा डिसीजन संयुक्त मोर्चा का डिसीजन है, वो पूरे देश के किसानों की भावनाओं को समझ के संयुक्त मोर्चा फैसला लेता है, और वो मुझे लगता है ठीक फैसला लिया उन्होंने जो लिया है। ये जाना इतना ज्यादा गलत नहीं हुआ, या जो उन्होंने पोस्ट डाली ही उसको लेकर ज्यादा दुखी हैं? देखो दुखी एक तो बात ये है, देखो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा है, ये बात सही है कि जो मरने वाले हैं वो भी गरीब हैं, किसान के ही बच्चे हैं उधर भी, लेकिन वो जो जिसके साथ थे वो साथ गलत थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देश की जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश में जो एक गंदा माहौल बना रहे हैं, आतंकी कसम की जो गतिविधियां खड़ी कर रहे हैं पूरे देश में, इससे पूरे देश का किसान मजदूर और व्यापारी दुखी है। तो ये भावनाएं पूरे देश के किसानों की उन्होंने जो नहीं जाना चाहिए था, सस्पेंड किया गया योगेंद्र यादव को? नहीं, मुझे लगता है संयुक्त मोर्चा
अपने खुद में अपने किसानों की भावनाएं देख के फिर डिसीजन लेता है, वो किसी के इशारे पे नहीं चलता। किसी के इशारे पे अगर चलता तो शायद ये सब नहीं होता। संयुक्त मोर्चा देश के किसानों की क्या भावना है, देश का किसान क्या सोच रहा है, मीटिंग बिठाते हैं हर बॉर्डर पे अपनी, और मीटिंग में जो फैसला तय होता है वो फैसला आगे जाता है कमेटी में, वो कमेटी निर्णय लेती है। योगेंद्र यादव जो बीजेपी के कार्यकर्ता मरे थे लखीमपुर वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद जब उनके घर गए, वो घर जाने के बाद उनके फोटो लगा के, परिवार के फोटो लगा के उन्होंने एक पोस्ट भी ली थी कि क्रिया की प्रतिक्रिया, जो टीके साहब ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था। यही तो मामला आ गया ना कि भाई एक तरफ आप फोटो क्रिया की प्रतिक्रिया बताते हो, दूसरी बात यह है कि आप जाते हो तो वहाँ क्या बोल के आते हो, क्यों जाते हो, संयुक्त मोर्चा को पता नहीं चलता है। ये बहुत सारी मुद्दे हो जाते हैं, वो संयुक्त मोर्चा का फैसला है, संयुक्त मोर्चा उस पर डिसीजन लेगा। वो तो सर सही है कि संयुक्त मोर्चा में फूट पड़ रही है, ये गलत है। पूरे देश के किसान और पूरा संयुक्त मोर्चा मजबूती के साथ साथ खड़ा है, और किसान आंदोलन हमेशा संयुक्त मोर्चा के भरोसे रहा है, पूरे देश का किसान। और मुझे लगता है कि अगर आखिरी में व्यक्ति बैठा हुआ देश का किसान है तो वो संयुक्त मोर्चा की तरफ देख रहा है, क्योंकि देश में खाद और बीज और बिजली और का जो संकट चल रहा है, आदमी किसान देश का जो आपदा आई अभी बारिश की उसमें फांसी लगा के और मरने को तैयार था, लेकिन वो संयुक्त मोर्चा के भरोसे कि ये संयुक्त मोर्चा जब डिसीजन लेगा तो सरकार पे दबाव है, सरकार कुछ न कुछ किसानों के लिए अच्छा डिसीजन देगी। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब चडूनी जी को एक महीने के एक सप्ताह के लिए सस्पेंड किया गया, उसके बाद ना वो इतने एक्टिव नहीं रहते अब आंदोलन में, उनके लोग जो है ना वो इतने एक्टिव, उन्होंने दूरी सी बना ली है। अरे भैया ये आंदोलन में 500 संगठन है, 47 का संयुक्त मोर्चा है, सब एक्टिव है और सबकी राय ली जाती है, और यहाँ ये बॉर्डर पे टिकैत साहब हैं, ये सब एक्टिव हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये आपको लगता है कि ऐसा है वैसा है, कोई नहीं, पूरा संयुक्त मोर्चा जो डिसीजन लेता है, और हम लोग हमारे सबकी जो है प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो मीटिंग लेते हैं, जो किसानों की भावना होती है। कभी योगेंद्र यादव भी फिर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी जानकारी इधर तो कुछ नहीं है, और पूरा संयुक्त मोर्चा जो डिसीजन लिया वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर्दे धुले भी जाएंगे और सब बदले भी जाएंगे, सजाए तो त्योहार आपका है, सबका है, तो हमारे हटा लिए, अरे हटा लिए तो वो दूसरे लगेंगे ना, और हटाए नहीं आपने रस्ते से, अरे रस्ते से हटा लिए पर पर्दे तो लगेंगे ना भाई, गाजीपुर बॉर्डर पर पर्दे तो रहेंगे ना, पर्दे तो कहीं नहीं जाएंगे, फसल कोई भी काटो, लेकिन ये कानून वापस करने की एक बात है, देश में जो समझेगा कि ये कानूनों के खिलाफ जो मुद्दे पे आएगा, और जो देश में ज़मीनें और किसानों की जो सारी फसलें निस्तो नाबूद हो रही हैं और ज़मीनें किसान की बेची जा रही हैं। गांधी कह रही है 400 रुपये क्विंटल गन्ने का मिलेगा और 2500 रुपये गेहूँ का। हाँ तो ठीक है, प्रियंका गांधी कह रही हैं तो प्रियंका गांधी को जनता देखेगी, वो तो कोई भी आएगा, हम किसी को ना सपोर्ट कर रहे हैं ना बुराई कर, सब कर, कहा तो इन्होंने भी था, इन्होंने भी कहा था कर्ज माफ, तो किसी का 5 रुपए करा, किसी का 5 पैसे करा, किसी का 50 पैसे करा, कर्ज माफा का तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तुलना बीजेपी से कर रहे हैं। भाई हम तुलना किसी की कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्ता से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो लुभावने वादे किए थे, देश को जो फंसाया था, वो सबको अब डर है कि ऐसा ना हो देश को फिर एक कहीं झूठ की प्रियंका गांधी बनाई है ना, वो 2500 रुपए गेहूं का भाव देने के लिए कह रही है सरकार, भैया कानूनों का बिल्कुल कर्ज माफ करने के लिए कह रही है, गन्ने का रेट 400 रहेगा, कानूनों के बारे में भी कुछ कहा है, काले कानून जो है उनके बारे में भी कुछ बोला है, वो तो केंद्र सरकार हटाएगी ना, तो केंद्र सरकार, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश का सरकार कानून हटाएगी क्या, कानून तो नहीं हटाएगी ना, हटाना तो अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे, तो फिर मैं तो वही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी आएगा कानून हटाएगा क्या, या तो किसानों का समर्थन करे तो बात सही है, लेकिन कोई समर्थन करने आ नहीं रहा, तो किसान अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। दूसरी बात यह है, जब केंद्र का चुनाव होगा तब हमें यह डिसीजन लेंगे। अगर कोई सी भी पार्टी ने किसान कानून वापस करने के लिए नहीं कहा तो फिर किसान क्या करेंगे, किसको दिलवाएंगे वोट पे? नहीं कहा, मुझे पता है कि कुछ पार्टियां ऐसी थी जिन पार्टियों को नोटिस किया गया है कि जो सदन में जब कानून बने थे कोरोना काल में, उसके बाद उन्होंने जो सदन के अंदर अपनी अपनी जो बातें रखी थी वो किसानों के पक्ष में रखी थी और किसान आंदोलन को साथ दिया था और किसान आंदोलन को सही ठहराया था। दल ने साथ दिया था, आम आदमी पार्टी बहुत लोगों ने साथ
दिया था, बहुत सांसदों ने साथ दिया था, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने साथ दिया। किसान समझ रहा है, और किसान आने वाले समय में हो सकता है जब केंद्र का चुनाव हो तो उनसे बात भी करेगा कि भाई हमारे कानूनों के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आगे उन पे होगी। तो भैया किसान चुनाव थोड़ी लड़ रहा है, किसान तो पार्टी का अपना एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का, तो पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है। किसान पे कोई जबरदस्ती तो वोट ले नहीं लेगा, किसान को लगेगा कि ये हमारे लिए ठीक है तो किसान वोट देगा उसे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ठगा था, ठगने में किसान नहीं आएगा। अब किसान झूठे वादों में नहीं फंसेगा, किसान किसी के प्रोपोगंडे में नहीं फंसेगा। अब किसान को ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी पार्टियां सही हैं और कौन हमारी जो झूठे वादे करके हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, हाई स्पीड ट्रेन और अमेरिका से वो काला धन ले आएंगे 15 लाख। डीजल पेट्रोल तो भूल ही जाते हैं आप लोग, डीजल पेट्रोल भी याद है। जब जाओगे ग्राउंड जीरो पे आप गांव में वोट मांगने, तो सबसे पहला सवाल यही होगा।